क्लास 11 सब्जेक्ट बायोलॉजी के स्टूडेंट ध्यान दें, आप लोगों का चैप्टर 5 चल रहा है मॉर्फोलॉजी या फ्लोरिंग प्लांट्स। पुष्पी पादप के आकार की के बारे में आपको बताया जा रहा है। पार्ट 4 है, टॉपिक 1 है स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉटिलेडोनस सीड। एक बीज पत्री के बीज की एक संरचना आपको आज दिखाया जाएगा कि जो एक बीज पत्री होते हैं मोनोकॉटिलेडोनस होते हैं उनके बीज में, तथा जो डाईकॉटिलेडोनस होते हैं जो द्विबीज पत्री होते हैं उनके बीज में क्या डिफरेंस होता है, दोनों के बीज में डिफरेंस होते हैं। तो यहां आपको जो बताया जाएगा वो एक बीज पत्री के बारे में सबसे पहले हम बता रहे हैं। एक हमने क्या लिया है, एक बीज पत्री का बीज लिया है, उसके किनारे किनारे पर एक राउंड खोल बनाया है जिसे हम क्या कहते हैं, सीड कोड कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे हम, सीड कोड, सीड कोट। कोट मीन्स होता है चोल अर्थात लीयर, जिसे हम फ्रूट वाल कहते हैं, आर या एन फ्रूट वाल, फ्रूट वाल कहते हैं। इसके बाद हम एल्यूरोन, एल्यूरोन लेयर आता है, एक मोटा लेयर बना होता है, एक मोटा लेयर बनाते हैं बीच में इसके, जिसे हम कहेंगे एल्यूरोन लेयर। एल्यूरोन लेयर ये एल्यूरोन लेयर कहलाता है। ये सीड कोट के ठीक जो सीड आपका कोट होता है इसके सीड कोट के ठीक नीचे एक और लेयर पाया जाता है मोटा, जिसे एल्यूरोन लेयर कहते हैं। इस मोटे लेयर के ठीक नीचे आपके क्या पाए जाते हैं, एंडोस्पर्म। ये आपका है भ्रूणकोश, जिसे हम कहेंगे एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म को हम क्या बोलते हैं, भ्रूण कोश बोलते हैं। इसके बाद स्कूटेलम, स्कूटेलम ये जो आपका होता है ये स्क्यूटेलम, जिसे कहते हैं अंतः या अंतः चोल, इसे कहते हैं स्क्यूटेलम को अंतः चोल कहते हैं, तथा कोलियो जो पिटिल होता है जिसे हम प्रांकुल चोल कहते हैं, प्रांकुल चोल इसे कहा जाता है। ये आपका प्रांकुल प्रांकुल क्या है आपका, ये प्रांकुल चोल है, इसकी इंग्लिश होती है कोलियो, कोलियो कोलियो
टाई, कोलियो पिटाई, प्रांगपुर चोल का सुर। ये थोड़ा सा टेढ़ा बना होता है और प्रश्नवाचक चिन्ह जैसे इसका आकार दिखाई देता है। इसे हम नीचे वाले भाग को मूलांकुर कहते हैं या रेडिकल कहते हैं। इसे रेडिकल, रेडिकल बोलते हैं। रेडिकल को मूलांकुर कहा जाता है, हिंदी में होता है मूलांकुर। मूलांकुर पाए जाते हैं। इस तरीके से नीचे वाले को प्रांगपुर चोल भी कहते हैं। यह बीज पत्री बीज पोषी होता है। ये कैसे होता है? ये एक बीज पत्री बीज पोषी होता है, अर्थात भ्रूण पोषी होता है। एक बीज पत्री वाले पौधे के जो बीज होते हैं उनमें कुछ अपूर्ण पोषी पाया जाता है। जैसे अपूर्ण पोषी को क्या कहते हैं? ऑर्किड। ये एक बीज पत्री के अंतर्गत पाए जाने वाला बीज जो ऑर्किड होता है ये अपूर्ण पोषी होता है, लेकिन ये भ्रूण पोषी होता है, अर्थात इसे भ्रूण पोष कहते हैं। इस प्रकार अनाज के बीजों जैसे मक्के में बीजावरण झिल्लीदार तथा फल भित्ति में संलग्न होता है। भ्रूण पोष स्थूलीय होते हैं और भोजन संग्रह करता है। और क्या करता है? भोजन संग्रह करता है। भ्रूण पोष की बाहरी भित्त भ्रूण से एक प्रोटीन सतह द्वारा अलग होता है। एक प्रोटीन सतह द्वारा क्या होता है? ये अलग होता है, जिसे एल्यूरोन लियर कहते हैं। इसे एल्यूरोन लियर कहते हैं। परत पाया जाता है। भ्रूण आकार में छोटा होता है। भ्रूण पोष के एक सिरे पर खांचे में स्थित एक बड़ा ढालाकार बीज पत्र पाया जाता है। आप देखिए, ये एक ढालाकार होता है जो आधे से ये बंटवारा कर देता है। इसके अंदर का भाग स्कूटिलम कहलाता है। जो इधर का एरिया होता है क्या कहलाता है? स्कूटिलम कहलाता है। स्कूटिलम के ठीक नीचे प्रश्नवाचक चिन्ह जैसे प्रांगपुर चोल कहते हैं, कोलियोप्टेर कहते हैं। इसके अंदर एक छोटा और संरचना पाया जाता है जिसे रेडिकल कहते हैं। ये एक मूलांकुर होता है जो एक बीज पत्री का भ्रूण पोष पाया जाता है। एक बीज पत्री के अंतर्गत एग्जाम्पल, एक बीज पत्री के अंतर्गत पाए जाने वाले जो होते हैं मोनो कॉट, मोनोकॉट का आपका एग्जाम्पल है क्या है? मैज है मक्का, इसके बाद खोइट है गेहूं है, इसके बाद राइस है, ईटीसी। ये सब एक बीज पत्री वाले पौधे के बीज पाए जाते हैं जिनमें भ्रूण पोष इस प्रकार से पाया जाता है। अब आप लोगों को आज हमने पार्ट फोर टॉपिक वन स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉटिलेडोनस सीड्स के बारे में बताया, जो चित्र के माध्यम से आप लोगों को ये बताया गया है। थैंक यू।